मित्रों यही एक स्थान है जो यहाँ पर बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज कभी विराजमान होते थे, जो अब नहीं है, अब उनके शिष्य आदरणीय एवं परम पूज्य रवि जी महाराज विराजमान हैं। साधु संतों का समागम है यहाँ पर। बाबा जी विराजमान है, हाँ सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ कितने तरफ पोतो हो, कितने तरफ पोतो हो। बाबा जी की धुनी भी है, ये साधु संतों का समागम बढ़ता जा रहा है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जिधर देखो उधर श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं। हर जगह श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। ये बाबा की धुनी है, ये धुनी हमेशा ही चलती रहती है। जो भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, इस वजह से हम असमर्थ हैं, आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं, फिर कभी दिखाएंगे। मूर्ति है छोटी सी, चार लोग पूजा कर रहे हैं। ये प्रांगण है, रेस्ट एरिया, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो रात्रि विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं। साधु महात्मा लोग आते हैं, प्रवचन होते हैं, तो रेस्ट एरिया है। आजा आजा, ओए हाय, ये मंदिर का ही परिसर है सारा, और ये मंदिर आज बहुत ज़्यादा बन चुका है। पहले ये बगीचा ही हुआ करता था, बागान टाइप का, तो यहाँ पर बहुत कुछ है बना दिया गया, जिस वजह से खाली जगह थी वो सब भर गई है। देख रहे हैं सारा एक एक करके। ये हैं बाबा प्रकाश जी, पूरी जी महाराज। ये बाबा जी के धोनी है, बहुत ही लगा ले, बहुत ही ले ले। Thank you.
अभी हुई है आज दस बीस साल हो गए। बहुत लगा ले, बहुत बहुत लगा ले तुम लोग। ये भी वही बबूत है, उसमें हाथ जल जाएगा कहीं गलती से। तो यही वो बबूत है जिसको माथे पर धारण करने से और सिर्फ खाने से ही समस्त रोग बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती। यही चमत्कारी बबूत जिसको हम बबूत बोलते हैं, वो बबूत इसी अग्निकुंड से उत्पन्न होती है। और ये तो राख भी बोलते हैं, इसमें हवन होते हैं, हवन की संविधा होती है, बहुत कुछ होता है, तो तब जाके ये बनती बबूत। ये बबूत जो भी धारण करता है, जो भी इनको ग्रहण करता है, संसार के समस्त शक्तियों से मुक्ति पा जाता है। कोई भी ताकत, कोई भी बबूत के आगे नहीं टिक सकती। अच्छा, यही हमारे यहाँ सनातन धर्म के राग का चमत्कार है जो आज भी चल रहा है। अगली वीडियो के लिए बने रहिए, हम आपको अगली वीडियो के लिए दर्शन करवाएंगे।